इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी ब्यावर में बोर्ड बनाने जा रही है और हमारे 29 हमारी सीटें आई, 15 निर्दलीय जीते हैं और निर्दलीयों में से 9 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से 7 आपके सामने हैं, 2 रस्ते में हैं जो थोड़ी देर बाद में सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। और कांग्रेस की स्थिति बहुत बैकफुट पर है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शामदंड भेद और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोट कर चुनाव जीतना चाहती है, आज कल रात को उन्होंने ब्यावर में हमारे कार्यकर्ताओं के घर, पार्षदों के घर पुलिस को भेजा जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है और वो जिस प्रकार से अनैतिक रूप से बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है उसका हम करारा जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ब्यावर में बोर्ड बनाएगी और ये लोग जो हमारे पास खड़े हैं, हमारे पीछे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पहले भी कार्यकर्ता रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जो ये है कि कांग्रेस की इस जन विरोधी और जिस प्रकार प्रजातंत्र की व्यवस्थाओं को खराब कर रही है, हम जन आंदोलन ब्यावर में खड़ा करेंगे कि वो इस तरह से तोड़ फोड़ करके और अगर अपना बोर्ड बनाना चाहेगी तो ब्यावर की जनता कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा दूसरा जो पॉइंट ये था कि इन्होंने अपने पार्षदों को छोड़कर, जो इनके ढाद के चुनाव पर जीते हैं उनको छोड़कर निर्दलीयों को टिकट दे रही हैं, हमारे बागियों को टिकट दे रही है। इससे ये साबित होता है कि इनके पास में अब जनाधार नहीं बचा है। पुष्कर में इन्होंने हमारे बागी को टिकट दिया, नसीराबाद में एकमात्र निर्दलीय को, महिला को टिकट दिया, ब्यावर में इन्होंने निर्दलीय को टिकट दिया अपने लोगों को छोड़कर केवल जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए। पुष्कर में जिस रविकांत पारासर उर्फ रवि बाबा को इन्होंने निर्दलीय के रूप में समर्थन दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मैं उसको पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा करता हूं कि वो अब हमारी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ब्यावर के निर्दलीय पार्षद जो चुनाव जीत कर आए वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उधर से हमारे तिलोक जी शर्मा, नीरज चौहान, ललिता जी, हेमंत जी, कुलदीप बोरा, भागचंद जी, अनिल चौधरी और इनके पति, ये और 2 हमारे रस्ते में हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सोनी और एक जो महिला है स्वाति फुलवारी। इस प्रकार 9 लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और हमारा बहुत भारी बहुमत से ब्यावर में बोर्ड बनेगा। कांग्रेस के पार्षद भी हैं क्या? नहीं, कांग्रेस के पार्षदों से ना हम संपर्क करेंगे ना कांग्रेस के पार्षदों को हम बुलाएंगे। हमारे पास पूरा बहुमत है, कांग्रेस के पास 16 ही है, क्या तोड़ेंगे बेचारों को, इतने वहीं छोड़ते हैं हम।